दूसरा सिलेंडर भी दिखा। एक वो दूसरा सिलेंडर लेके जाते अंदर ही मुझे देखा। यहाँ सारी रसोई में आग लगी थी। पता लग गया ये भी हो गया। मनमोहित जी ये बना हुआ है। रिंकू है मैं। कैसे क्या कुछ हुआ? क्या मैं तो काम पे था जी। मैं तो आया, पता लगे मेरे को ये हुआ है तो भाई के साथ हुआ हादसा। सिलेंडर मंगवाया था भाई ने, भरा हुआ तो लेके आए तो अंदर ले जाने लगे, ब्लास्ट होगा बस मेरे को तो इतना पता है। तो वजह समझ आई कि ब्लास्ट किया किस कारण से हुआ, इसका पता चला वो लीकेज होगा, लीकेज। हाँ, इसके कारण सिलेंडर वाला पास था आपके अंदर? सिलेंडर वाला भी खड़ा था जो एजेंसी से लेके आता है ना, वो भी खड़ा था यार। अच्छा, देने के लिए आया था? हाँ जी। हाँ जी। भाई का क्या नाम है? राजेंद्र। कितनी की चोट वगैरह है? भाई काफी पल गया, वो हॉस्पिटल में सरकारी जला तो काफी है जी, चेहरा भी जल गया यहाँ से, बाकी मैंने तो देखा नहीं अभी। राजेंद्र। क्या नाम है आपका? मोहित जी। मोहित, किस तरह से ये पूरा हादसा हुआ? जी पूरी बात ये हुई कि सिलेंडर वाले आए थे और जैसे ही सिलेंडर की रेडी आई तो मम्मा ने भी लिया था सिलेंडर और इन्होंने भी लिया था, और ये जैसे ही अंदर सिलेंडर लेके गए तो इन्होंने अंदर जाके सिलेंडर को खोला, वैसे ही एकदम से भाई ऊपर खड़े थे, मेरे भाई थे ऊपर, तो वो ऊपर से देख रहे थे, जैसे उन्होंने सिलेंडर खोला ना एकदम से ब्लास्ट हुआ। ब्लास्ट होते ही भाई ने ऊपर से पानी वगैरह गिरे और जो राजेंद्र जी है उनका सारा शरीर जल चुका, यहाँ तक कि मैं बताऊँ कि उनके कपड़े तक भी जल चुके थे, यहाँ तक कि बाल भी जल चुके थे, कपड़े भी, हाथ भी, और वो जलते हुए चीखते चलाते हुए यहाँ तक भाग गए थे। उसके बाद जैसे ही सारे घर वाले थे जितने भी थे, भाई ने ऊपर से पानी गिरा, सारे घर वाले अपने घरों से बाहर गए, जैसे तैसे करके हमने भी लिया सिलेंडर, हमने भी जैसे ही सिलेंडर दूसरे घर में घेर दिया या दूर ले गए, घर में जितने बुजुर्ग थे उनको ले गए, मतलब बहुत मुश्किल हुई, बहुत परेशान थे इस चीज़ को लेकर। तो एजेंसी को वेरीफाई करके भेजनी चाहिए सिलेंडर? हाँ ये तो है ही ज़रूर सर, क्योंकि जैसे ही रेडी वाला आया उसको कहा कि हम आप रेडी को ले जाओ, वो ले गए, उसका ये कर्तव्य था कि उसको आके चेक करना चाहिए था, क्योंकि उसको ये चीज़ की पूरी नॉलेज है, क्योंकि यहाँ पे ये इनका कम से कम मैं जब से देख रहा हूँ 20 से 25 साल तक का एक्सपीरियंस है, कभी आज तक ऐसा नहीं हुआ, और आज पहली बार ऐसा हादसा हुआ है जिसका भाई जिम्मेदार तो मैं उनको ही सोचता हूँ, एजेंसी वालों को। सिलेंडर ज़्यादा होते तो फिर बड़ा हादसा होता। दो सिलेंडर थे सर, वो तो ये थी कि ऊपर से पानी गिरा या जैसे कैसे करके उन्होंने भी बहुत भाई, वो जल भी चुके थे ना तब तक भी उन्होंने बहुत अपने सिलेंडर को आग रोक नहीं करी, सब कुछ किया, कम से कम 15 से 10 मिनट के बाद ये 5 गेट वगैरह सब आए, उनसे भी कंट्रोल में नहीं हुई सर। आप देखो कितनी आग लगी होगी, घर वगैरह में भी आग लगी थी सर, उनकी पूरी रसोई में, मतलब पूरी रसोई थी, और मतलब जैसे हमने जैसे पानी गिरा ना, जब थोड़ा हुआ उसके बाद उसके ऊपर कपड़ा गिरा ना, जैसे ही कपड़े को हटाए तो इतनी तेज ब्लास्ट होता है, जैसे ही कपड़े को हटाए ब्लास्ट होता है। तो भाई अब कौन सा एरिया पड़ जाता है ये? इंदरपुरी मोहल्ला गली नंबर 2। और राजेंद्र जी आपके क्या पड़ोसी हैं? हाँ जी, मेरे ये साथ वाले घर है, इनके बिल्कुल चाचा लगते हैं।